वेलकम टू रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस। हमारे यूट्यूब चैनल रामानुजन क्लासेस ऑफ मैथमेटिकल साइंस पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम ये वीडियो लेके आए क्लास टेंथ के लिए, क्योंकि पिछली जो वीडियो लेके आए थे हम क्लास टेंथ के लिए, उसमें हमने चैप्टर 3 कर रहे थे हम, और एक्सरसाइज 3.2 के दो क्वेश्चन हमने किए थे। उससे पहले हमने उसको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और दो क्वेश्चन हमने उसके करा दिए थे। चलिए इसके बाद हम कराते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पर अगर हम चलें, एक्सरसाइज 3.2, तो ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2, b1/b2 and c1/c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो जो फॉलोइंग पेयर्स है इक्वेशंस का, वो हमें बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, चलिए अगर कंसिस्टेंट की बात करें, कंसिस्टेंट हमेशा वो वहाँ पर होगा जहाँ पर वन सॉल्यूशन होगा और इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, वहाँ पर कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, अगर लाइन पैरेलल है, ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट होगा। चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट पार्ट इसने दिया है 3x + 2y = 5। 3x + 2y = 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7। ठीक है, ये दिया। चलिए अब हम यहाँ से रेशियोज निकालेंगे, यानी कि a1/a2 क्या होगा, 3/2। नेक्स्ट b1/b2 = 2/-3 एंड c1/c2 = -5/-7, क्योंकि ये दोनों डिजिट इधर आएंगे तो माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। अब रेशियोज अगर हम यहाँ पर देखें, तो देखो सब फर्स्ट कंडीशन ही हमारी आ गई, a1/a2 does not equal to b1/b2। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये इंटरसेक्टिंग होगी, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो वन सॉल्यूशन होगा, और वन सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो क्या होगा, वन सॉल्यूशंस होगा। ठीक है, तो ओनली वन सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, 3x + 2y = 5 एंड 2x - 3y = 7 इज ए कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, ये सिर्फ हमें बताना है। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, सेकेंड पार्ट है 2x - 3y = 8। 2x - 3y = 8। 4x - 6y = 9। ठीक है, तो यहाँ से वही रेशियोज हम निकालेंगे, यानी कि a1/a2 क्या होगा, 2/4, यानी कि 2 1 जा 2 2 जा 1/2 हो गया। उसके बाद b1/b2 - 3/-6 कैंसिल आउट हो गया, ये भी 1/2 बचेगा। c1/c2 तो क्या होगा, -8/-9, ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि 8/9। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर अगर हम रेशियोज की बात करें तो क्या आ गया, a1/a2 = b1/b2 does not equal to c1/c2। और ये कहाँ पर होता है, ठीक है, ये कंडीशन कहाँ पर होती है कि a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस होती हैं, और जब पैरेलल लाइंस होती हैं तो क्या हो जाता है, कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पैरेलल लाइंस होंगी, देयर आर नो सॉल्यूशन। ठीक है, और नो सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा कि ये इनकंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, तो द लाइन 2x - 3y = 8 एंड 4x - 6y = 9 इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए इज एन इनकंसिस्टेंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट, अगर थर्ड पार्ट की बात करें, तो फर्स्ट तो क्या था, कंसिस्टेंट था, ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट है 3/2x + 5/3y
यह है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। ठीक है, चाहे तो आप इनको चेंज भी कर सकते हो 7 को और 14 को इधर लाके। चलिए रेशियो की बात करें, a1 अपॉन a2 क्या होगा, 3/2 अपॉन 9, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 इंटू 9 कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट आप देखें b1 अपॉन b2, 5/3 अपॉन -10 है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5 अपॉन -30 यानी कि 6 टाइम, तो ये आ जाएगा -1/6। इसके बाद c1 अपॉन c2 की अगर बात करें तो ये -7 अपॉन -14 है, माइनस माइनस खत्म, तो ये 1/2 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, फर्स्ट कंडीशन आ गई, तो क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो देर आर ओनली वन सॉल्यूशन, यहाँ पर वन सॉल्यूशन होगा और वन सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट होंगे। चलिए इसके बाद आता है नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4, चलिए पार्ट 4 पर चलते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें यही बताना है कि कौन कंसिस्टेंट है कौन इनकंसिस्टेंट है रेशियो के द्वारा। चलिए इसका फोर्थ पार्ट है 5x-3y = 11, 5x-3y = 11। नेक्स्ट है -10x+6y = -22, सेम वही कंडीशन, a1 अपॉन a2 = क्या होगा 5 अपॉन -10 यानी कि -1/2, b1 अपॉन b2 क्या होगा -3/6, ये भी -1/2, c1 अपॉन c2 क्या होगा -11/22, ये भी -1/2। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि तीनों रेशियो इक्वल है, ठीक है, तो ये क्या होगा कि a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि a1 अपॉन a2 = b1 अपॉन b2 = c1 अपॉन c2, तो इसका मतलब है कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के ओवरलैप हैं, बहुत सारे मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये कंसिस्टेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट। चलिए इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट, अभी हमने कौन सा, अच्छा थर्ड पार्ट, थर्ड करा दिया था कंसिस्टेंट, तो ये फोर्थ पार्ट है 5x-3y = 11 -10x + 6y = 22, तो a1 अपॉन a2 यानी कि 5 अपॉन -10 = -1/2, b1 अपॉन b2 -3/6 = -1/2, c1 अपॉन c2 -11/22, ये भी तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1, तीनों क्या हैं, अब ये कोइंसिडेंट आ गया, तो कोइंसिडेंट का मतलब होगा कि मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, तीनों इक्वल हैं, बिल्कुल तीनों इक्वल हैं, लेकिन आंसर में इसने क्या इनकंसिस्टेंट नहीं, ठीक है, फोर्थ वाला क्या है कंसिस्टेंट है। चलिए इसके बाद चलते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखें, फिफ्थ में दिया है 4/3x + 2y = 8, नेक्स्ट है 2x + 3y
इज इक्वल टू 12। सेम वही रेशियो फाइंड करना है पहले, ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू क्या होगा, 4 अपॉन 3 इंटू 2, 2 टाइम कट गया तो 2 अपॉन 3। उसके बाद बी वन अपॉन बी टू क्या होगा, 2 अपॉन 3 सेम। तो सी वन अपॉन सी टू क्या होगा, माइनस 8 अपॉन माइनस 12, 4 टू जा 4 3 जा, ये ख़त्म हो गया तो 2 बाई 3। सेम कंडीशन आ गई, क्या आ गया कि ए वन अपॉन ए टू इजकल टू बी वन अपॉन बी टू इजकल टू सी वन अपॉन सी टू, क्या आ गया, कोइंसिडेंट हो गया। कोइंसिडेंट होता है तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो क्या होती है, कंसिस्टेंट होंगी, कंसिस्टेंट। ठीक है, सिर्फ यही हमें बताना है और कुछ नहीं है। तो फिफ्थ वाला भी क्या होगा, कंसिस्टेंट हो गया। चलिए इसी के साथ इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट इफ दे कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ठीक है, अगर वो कंसिस्टेंट है, क्योंकि कंसिस्टेंट होगा तभी उसके सॉल्यूशंस होंगे, अगर वो कंसिस्टेंट नहीं होगा तो उसके सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, और वो कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं बाई ग्राफिकल मेथड। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सबसे पहले तो हमें यही चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसके सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, ये दिया है एक्स प्लस वाई इजकल टू 5, एक्स प्लस वाई इजकल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इजकल टू 10, 2x प्लस 2y इजकल टू 10। यहाँ से देखें फर्स्ट, तो पहले a1 वन अपॉन ए टू अगर हम करें तो ये क्या आएगा, 1 बाई टू आएगा, यहाँ 1 है ये 2 है। उसके बाद b1 वन अपॉन बी टू अगर करें तो ये भी 1 बाई टू है, और c1 वन अपॉन सी टू करें तो ये भी माइनस 5 अपॉन माइनस 10 है, माइनस माइनस ख़त्म, ये भी 1 बाई टू है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि a1 वन अपॉन ए टू इजकल टू बी वन अपॉन बी टू इजकल टू सी वन अपॉन सी टू। अब ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइंस होंगे तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो ये क्या है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट हो गए। ठीक है, अब कंसिस्टेंट है तो इसके सॉल्यूशन भी हमें फाइंड करने हैं, तो इसने बोला है ग्राफिकली हमें बताना है कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। चलिए कैसे बताएंगे, सेम वही कंडीशन, ये मैं कुछ साफ कर देता हूँ यहाँ से। ग्राफिकली तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते थे, पहले टेबल बनाते थे। तो टेबल अगर हम यहाँ से बनाएं एक्स और वाई के लिए, फर्स्ट इक्वेशन से ये एक्स हो गया ये वाई हो गया, मैंने क्या बताया पहले एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो वाई की वैल्यू क्या हो गई, 5। फिर वाई की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो गई, 5। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए बन गया। सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर हम बनाएं, एक्स और वाई, यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे तो वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि 2y इज इक्वल टू 10 आ गई। अब अगर वाई की वैल्यू हम जीरो रख दें तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5 आएगी। तो देखो दोनों टेबल एक जैसी बनी है। ठीक है, दोनों टेबल एक जैसी हैं। अब यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ हम देखें इस टाइप से ग्राफ बनेगा, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश, ये ओरिजिन हो गया ओ, 1 2 3 4 5 6 7 इस टाइप से। ठीक है, ये तो हमें पता है, ये प्लस में चलता है इधर, ये माइनस में चलेगा, ये भी माइनस में चलेगा, ये प्लस में चलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू 5, तो एक्स की वैल्यू जीरो और वाई की वैल्यू 5 कहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये 0.5 होगा। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू 5 वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 5 वाई की वैल्यू 0, तो ये यहाँ होगा। इन दोनों को मिलाएंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, चलिए अब सेकंड के लिए देखते हैं, तो सेम कंडीशन है, एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू 5 भी यहाँ होगा,
और सेम ये भी यहाँ होगा दूसरे के लिए भी, तो दूसरी जो लाइन है वो भी इसी के ऊपर आएगी, ठीक है। अब इसके ऊपर आएगी तो देखो क्या होगा, दोनों ओवरलैप हो गई, ओवरलैप हो गई तो क्या होगा, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो गई, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। ठीक है, तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, मैनी सॉल्यूशंस में आप इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आप आपके हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं देखो, 0.5 होगा, 5.0 होगा, 4.1 होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो ये 3.2 हो जाएगा, ये 2.3 हो जाएगा, ये 1.4 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। जैसे हम आगे चलते रहेंगे तो ये इसके इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। दो चार अगर लिखने हैं तो लिख दो, 0.5 होगा, 5.0 होगा, फिर 4.1, क्योंकि देखो 4.1 क्यों होगा, अगर 4 के सामने जाएं और 1 के सामने जाएं तो ये पॉइंट आता है, 3 के सामने यहाँ टच करें और फिर 2 के सामने करें तो ये पॉइंट आता है, इसको यहाँ टच करें, यहाँ टच करें तो ये पॉइंट आएगा, यहाँ से सीधा चलें, यहाँ से सीधा चलें तो ये पॉइंट आए, तो ये सब इसके क्या होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है। तो इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट है इसका। सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। सेम वही चीज़ लेंगे यहाँ भी, ए वन अपॉन ए टू इजकल टू क्या होगा, 1/3, बी वन अपॉन बी टू क्या होगा, -1/-3, ये भी कैंसिल हो गए तो 1/3, सी वन अपॉन सी टू क्या होगा, -8/-16, तो 1/2। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ए वन अपॉन ए टू इजकल टू बी वन अपॉन बी टू डज नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, ये कंडीशन होती है तो लाइन्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और पैरेलल होती है तो इनकंसिस्टेंट होता है, और जब इनकंसिस्टेंट होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन्स, और देर आर इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, और इनकंसिस्टेंट होंगे तो देर आर नो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, तो फाइंड तो करना ही नहीं है जब इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं। चलिए इसके बाद चलते हैं, इसका थर्ड पार्ट है, चलिए थर्ड पार्ट की तरफ चलें। थर्ड पार्ट है 2x + y - 6, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 और 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं, यहाँ से ए वन अपॉन ए टू अगर करें तो 2/4 यानी कि 1/2, बी वन अपॉन बी टू करें तो 1/-2 और सी वन अपॉन सी टू करें तो -6/-4, 3/2। तो यहाँ कंडीशन क्या आ गई, यहाँ फर्स्ट कंडीशन ही आ गई, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, आगे चलने की ज़रूरत ही नहीं है जब ये तो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स, और जब इंटरसेक्टिंग लाइन्स है तो ये क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो देर आर कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब ये कंसिस्टेंट होंगी तो इनका सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। तो वो सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, चलिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है ये मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले वो हमें टेबल बनानी है एक्स और वाई के लिए, ये एक्स होगा वाई होगा,
x की वैल्यू अगर हम जीरो रख दें तो y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, और अगर y इज इक्वल टू 0 रख दें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, कैसे यहाँ पर पुट करेंगे हम इसको, क्या रखा है, सबसे पहले x की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू माइनस 6 है, तो ये तो 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू नहीं, इधर जाके प्लस का 6 हो जाएगा इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। तो इस टाइप से हम वैल्यू पुट करके यहाँ से टेबल बना लेंगे। सेकेंड की अगर हम बात करें, एक्स वाई, अब देखो यहाँ x इज इक्वल टू 0 रख दें तो ये पूरा 0 हो गया, और माइनस टू वाई इज इक्वल टू 4 हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 0 रख दें तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि y इज इक्वल टू 0 रखेंगे, ये पूरा 0 हो गया, तो 4x इज इक्वल टू ये इधर जाएगा इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 आ गया। इस टाइप से चलिए अब इसके आगे चलते हैं हम, यहाँ से ग्राफिकली सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है तो ग्राफ बनाना है पहले, तो ग्राफ बना के हम देखेंगे क्या सॉल्यूशन इसका आएगा, क्योंकि देखो इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो वन सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि एक ही पॉइंट ऐसा होगा जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, और इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ये एक्स हो गया, एक्स डैश, वाई और वाई डैश, ये 1 2 3 4 5 6 ठीक है, नंबरिंग आप डाल लेना, इधर प्लस में चलेगा 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में, इधर माइनस में, इधर प्लस में। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6, ये 0, 6 आ गया, ये पॉइंट। नेक्स्ट है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 3, 1 2 3, और y की वैल्यू 0, तो 3, 0 ये हमारा पॉइंट। अब ये दो पॉइंट हमें मिल गए, तो इन दोनों पॉइंटों को इंटरसेक्ट ये मिलाते हुए एक लाइन हमने बना दी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू माइनस 2, तो x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 यहाँ होगी, और y की वैल्यू माइनस 2, 1 और 2 यहाँ पर होगी, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 तो यहीं होगी, ये दो पॉइंट हमें मिल गए। इन दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए हम ये लाइन आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ जहाँ भी ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट इनका क्या होगा, वही पॉइंट इनका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, यही इसने पूछा है। ठीक है, अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो अगर यहाँ वाई पर देखें तो 2 के सामने हम जाएं तो यहाँ आएगा, और एक्स के सामने जाएं तो यहाँ आएगा, यानी कि 2, 2 इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो 2, 2 क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन होगा। बस यही हमें फाइंड करना था ग्राफिकली मेथड से कि इसका सॉल्यूशन क्या है, वो हमने फाइंड कर दिया। चलिए इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ पार्ट है, ये भी बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। 2x-3y, 2x-3y एंड 2x-2y, 2x-2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 4x-4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए यहाँ से हम देखते हैं, तो सबसे पहले a1 upon a2 क्या होगा, 2 upon 4, 2 1 जा 2 2 जाए, यानी कि 1/2 आ गया। b1 upon b2 -2 upon -4, माइनस से माइनस ख़त्म, ये भी क्या होगा, 1/2 आ गया। c1 upon c2 -2 upon -5, माइनस से माइनस ख़त्म, 2 upon 5। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 डज नॉट इक्वल टू c1 upon c2, और ये कहाँ पर होता है, जब पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होंगी है, और जब ये पैरेलल लाइंस होंगी तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट होगा तो देर आर नो सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट है तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं।
चलिए इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 4 के सारे पार्ट हो गए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ इज 36 मीटर, तो फाइंड द डाइमेंशंस ऑफ द गार्डन। तो गार्डन का डाइमेंशंस हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी है, दो इक्वेशन बना के उसके बाद क्या कर देना है, इसको सॉल्व कर देना है और उसका डायमेंशन हमें फाइंड कर देना है। चलिए कंडीशन इसने क्या है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पैरामीटर। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 × L + B ये होता है। अब उसने बोला है इसका हाफ, 2 × L + B का हाफ कितना है, 36 उसने दिया है। ठीक है, तो यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो L + B इक्वल टू कितना आ गया, 36 आ गया। सेकंड उसने क्या दिया है, हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन द विड्थ, 4 मीटर मोर देन द विड्थ यानी कि लेंथ जो है वो क्या है, 4 मीटर ज़्यादा है विड्थ से। तो लेंथ जो है वो विड्थ से कितना ज़्यादा है, 4 मीटर, यानी कि विड्थ में अगर 4 ऐड कर दें तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ब्रेथ या विड्थ एक ही चीज़ है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो L - B इक्वल टू 4 होगा। ठीक है, अब देखो ये एक इक्वेशन हमें ये मिल गई और दूसरी इक्वेशन हमें ये मिल गई। अब हमें इसकी डाइमेंशंस फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए अब डाइमेंशंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है, डाइमेंशंस फाइंड करने के लिए हमें क्या है, एल और बी फाइंड करना है। एल और बी हम कैसे फाइंड करेंगे, एल और बी को फाइंड करने के लिए हमें इसके सॉल्यूशन फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, कि इसके सॉल्यूशंस क्या होंगे। अगर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे तो हम वहाँ पर तीन मेथड हमारे पास हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीपल मेथड। ठीक है, तो यहाँ तक हमने वो पढ़ा है नहीं क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, और वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा। तो यहाँ हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ हमें सिर्फ सॉल्यूशन फाइंड करके ही सॉल्व करना है। चलिए कैसे करेंगे, एक इक्वेशन हमारी हो गई ये और दूसरी इक्वेशन हमारी हो गई ये। अब अगर हम इनके लिए क्या करें, टेबल बनाएं। ठीक है, टेबल बनाएं, तो टेबल हम कैसे बनाएंगे, सेम जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने किया था, ये एल हो गया, ये बी हो गया। चलिए अगर एल की वैल्यू हम 0 रख दें तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। अब बी की वैल्यू हम 0 रख दें तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी। ठीक है, एक टेबल तो ये बन गई। चलिए अब दूसरी इक्वेशन के लिए अगर हम टेबल बनाएं कि L की वैल्यू अगर हम 0 रख दें तो B की वैल्यू -4 होगी, और अगर B की वैल्यू हम 0 रख दें तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, दो टेबल आ गए। अब दो टेबल आ गई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से इसके सॉल्यूशन फाइंड कर देंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, इसने पूछा हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर। हाँ ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ पर ग्राफ इसका बनाएं तो देखो यहाँ पर 36 है, ये भी 36 है, काफ़ी लंबा जाएगा, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी, जो एक्स एक्सिस है वो भी 36 जाना पड़ेगा और वाई एक्सिस भी 36 जाना पड़ेगा। तो ग्राफ में तो हम कुछ भी मान लेते हैं कि 10 यूनिट इजकल टू 1 यूनिट इस टाइप से करके मान लेंगे, या 6 यूनिट इजकल टू 1 यूनिट तो ये 6 तक आ जाएगा, या 4 यूनिट इजकल टू 1 यूनिट मानेंगे तो ये 9 यूनिट तक आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए यही जो सॉल्यूशन आएंगे, जो x और y की वैल्यू आएगी वही इसका क्या हो जाएगा, हमारा लेंथ और ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसका मेथड और भी हैं सॉल्व करने के, और क्या मेथड है, यहाँ से तो कर लोगे। चलिए अब और मेथड मैं इसका आपको बता दूँ। देखो यहाँ इसने L + B = 36 दिया है,
ठीक है, तो यहाँ एल माइनस बी इजकल 36, तो यहाँ से अगर हम एल की वैल्यू निकाल लें तो 4 प्लस बी आ जाएगा, ठीक है, 4 प्लस बी आ गया। इसी को वैसे सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा इसी को सब्सटीट्यूशन मेथड बोलते हैं। अब एल की जगह उठाकर हम ये पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो 4 प्लस बी इजकल टू 36, तो बी और बी कितना हो गया 2b इजकल टू 36, ये 4 प्लस का इधर जाके माइनस का हो गया, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 2b इजकल टू ये कितना बचेगा 32, तो b इजकल टू 32/2, तो कितना आ गया 16 आ गया, यानी कि b की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। अब ये b की वैल्यू उठाकर हम यहाँ पर रख दें तो l की वैल्यू हमें मिल जाएगी, तो l की वैल्यू यहाँ से देखें तो l इजकल टू कितना है b प्लस 4, तो b कितना है 16 और 4 यानी कि 20, ठीक है, तो लेंथ हमारी कितनी हो गई 20 हो गई और ब्रेथ हमारी कितनी हो गई 16, दैट्स ऑल। चलिए इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, उसने बोला है गिव द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इजकल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, कंसिडेंट लाइन्स, ठीक है, तो इनमें से हमें तीनों पार्ट इसके करने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम 5 तक करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम 6 और 7, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है तो अपलोड होने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। और हाँ, जिस भी बच्चे ने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, यानी कि चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि हम कोई नई वीडियो डालें तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। गुड डे, थैंक यू।